हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार मिश्रा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज एक बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा करने आया हूँ। मेरे बड़े सारे दोस्तों ने मुझे बताया, मेरे फ्रेंड्स और कलीग्स ने बोला कि सर ये बताओ कि जो न्यूली अमेंडमेंट आया है सेक्शन 43B में, वो MSME पे कैसे इम्पेक्ट कर रहा है और क्या एक्चुअल चेंजेस है, ये उनकी क्वेरी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि सेक्शन 43B में एक नया सबसेक्शन इंसर्ट हुआ है, जो सबसेक्शन एच है, 43B सबसेक्शन एच इंसर्ट हुआ है। वो ये कह रहा है कि पहले ये समझिए कि 43B है क्या। 43B में कोई भी एक्सपेंडिचर तभी अलाउ होता है जब हम उसका एक्चुअल पेमेंट कर देते हैं, मतलब सर्टन पेमेंट्स आर अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट मेड। दिस इज द बेसिक प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B। नाउ फॉर सेक्शन 43B सबसेक्शन एच क्या बोलता है, जो क्या प्रपोज्ड है, वो ये बोलता है कि अगर किसी MSME को पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट स्पेसिफाइड डेट, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ऑफ सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उस स्पेसिफाइड टाइम पे जब पेमेंट होगा तभी उसका अलाउंस होगा अंडर सेक्शन 43B H में। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट क्या है, ये मैं आपको बताऊं। सेक्शन 15 बोल एक टाइम पीरियड को स्पेसिफाई करता है कि जहां पे MSME के साथ हमने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है वहां पे हमारे को जो पेमेंट करनी है MSME को, दैट पेमेंट कैन नॉट बी मोर देन इन 45 डेज। यानी कि हमें 45 दिन के अंदर अंदर हमें पूरी पेमेंट कर देनी है MSME को, अगर हमने कोई एग्रीमेंट एंटर करा हुआ है तो। अगर हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है MSME के साथ तो हमें विद इन 15 दिन के अंदर अंदर हमें वो पेमेंट सेटल कर देना है। तो ये एक बेसिक अमेंडमेंट आया है सेक्शन 43B में, जो MSME के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत ही वरदान के टाइप में है और इससे MSME के वर्किंग कैपिटल पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, उनके कैश फ्लो पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को पॉजिटिव मैनेज कर पाएगी। तो इस तरीके से बजट में गवर्नमेंट ने MSME सेक्टर को एक बहुत ही बढ़िया तोहफा दिया है, जिसके लिए मैं गवर्नमेंट का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। आप सबों का धन्यवाद। मैं पंकज मिश्रा, चार्टर्ड।